बहुत अच्छा लगता है जान के दोस्तों कि हमारा इंडिया फिटनेस के मामले में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। लोग तरह तरह के डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। अब इस वेट लॉस को लेके मैं आज आपको एक ऐसी रोटी बताने वाला हूँ जिसे खाने के बाद हफ्ते में आपका 1 से 1.5 किलो वजन आराम से कम हो जाएगा। सही सुना आपने, हफ्ते में 1 से 1.5 किलो आराम से कम हो जाएगा। और हाँ, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, ये रोटी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए उसकी रेसिपी देखते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, ठीक है। और हाँ, मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने आपको एक सवाल पूछा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस सवाल का सही जवाब देना है और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना है। पहले 3 विनर्स को एक गिफ्ट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। भाई, मेरा तो 3 किलो वजन कम हो गया इस रोटी को खाने से, जो मेरे फिटनेस गोल्स के लिए बहुत जरूरी था। और हाँ, मैंने बहुत एक नोटिस की ये बात कि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है खाने में। और हाँ, बनाना तो बेहद आसान है। चलिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो देख लेते हैं। अब इसे बनाने के लिए मैं 1 कटोरी ओट्स लेने वाला हूँ, 1 कटोरी मूंग फ्लावर जिसे ग्रीन बीन्स का आटा भी हम कहते हैं, और 1 से 2 चम्मच तक बेसन, ठीक है। इसे ये जरूरी नहीं है बेसन, या आपके टेस्ट पे निर्भर करता है, लेकिन इसके भी बहुत फायदे हैं, लेकिन ये डालना जरूरी नहीं है। और स्पाइसेस में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। वो भी सब टेस्ट के हिसाब से, तो जरूरी नहीं है कि आपको कम या ज़्यादा, आपको जैसे आपको टेस्ट के हिसाब से पसंद है आप डाल सकते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स में से 95% इंग्रेडिएंट्स तो वेट लॉस कराने में माहिर है। इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे सकता हूँ मैं, फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे ही देता हूँ। चलिए देखते हैं। मूंग का आटा हरे मूंग से बना होता है। ये बहुत ही हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, और ये कैंसर से हमें दूर रखता है। हाई इन फाइबर होने की वजह से ये वजन कम करने के लिए परफेक्ट है। ओट्स भी हाई इन प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं, और बहुत ही लो इन कैलोरीज होते हैं, इसीलिए तो इसे खाने से हमारा वजन तेजी से घटना शुरू हो जाता है। ये स्वादिष्ट आइटम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, स्किन को अच्छा बनाता है और ग्लूटेन फ्री भी है। अब इसे बनाने का तरीका है ऐसे, ओट्स डालिए मिक्सर में, फिर मूंग का आटा डालिए और फिर बेसन का आटा भी डाल दीजिए, ठीक है। तीनों आप मिक्स करना है आपको। फिर मैं स्पाइसेस डालता हूँ एक करके, एक चम्मच मैं 2 चम्मच डाल लेता हूँ, चलो जीरा, फिर आधा चम्मच या 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, बस हो गया। और फिर अंदाज के हिसाब से आपका जितना क्वांटिटी है पानी डालिए, ओके। अभी स्वाद के लिए मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगा, जिसे हम इंग्लिश में पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। अब ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे तो वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रोटी है, रोटी के इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं। आप हमेशा का आपका रेगुलर सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसे डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप इसमें सिनेमन भी थोड़ा सा डालेंगे तो वेट लॉस के लिए और भी अच्छा है, लेकिन किसी किसी को सिनेमन, मतलब दालचीनी से हिंदी में कहते हैं, इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसकी स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपको इसके डालना है तो डाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, सिनेमन और पिंक सॉल्ट का मैंने एक बढ़िया सा ड्रिंक बनाया था आपके लिए, इसे कहते हैं स्लिम एंड टाइट ड्रिंक। वो वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, आपके वेट लॉस में तो भारी भारी फायदेमंद है वो वीडियो, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। चलिए, इसको अभी मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है अच्छे से, अभी इसको पकाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैन को थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें 1/2 चम्मच घी डालना है। याद रहे, तेल नहीं डालना है, घी डालना है। घी के ऊपर तो एक अलग से वीडियो ही बनाना है मुझे आप लोग के लिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब, ओके।
अब जब एक बार पैन गर्म हो जाएगा घी डालने के बाद अच्छे से, तो आपका मिक्सर उसमें डाल दीजिए। सेंटर में डालिए, अच्छे से गोल गोल बन जाएगा। और फिर उसको थोड़ा सा पैन से और स्प्रेड कीजिए। बढ़िया दिख रहा है ना? अब मैंने मीडियम आंच पे गैस रखा है, सो लगभग इसके हिसाब से 3 से 4 मिनट में आपका रोटी नीचे से पक जाएगा, तो उसे उल्टा कर दीजिए। देखिए क्या बढ़िया कलर आया है इसका, हल्दी की वजह से और बेसन की वजह से बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट में भी बढ़िया हो जाता है। अब लगभग 2-3 मिनट में आप देख सकते हैं ये नीचे से भी पक जाएगा, तो सीधा आप इसको डिश में निकाल दीजिए। हो गया आपका रोटी रेडी। अब जितना क्वांटिटी मैंने मिक्सर में लिया था उससे और 2-3 तो बन ही जाएंगे, ठीक है? एक से वैसे भी मेरा क्या होगा, तो मैं ये डाल रहा हूँ और ठीक है, थैंक यू। अब इसको आप दाल के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो आप इसे खा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सब्जी बनाई है उसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, आप ट्राई कीजिए एक बार, बड़ा मज़ा आता है। मैं तो इसके ऐसे 2 या 3 आराम से खा लेता हूँ। पचने में बहुत आसान है, फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे आपका वेट लॉस तो पक्का। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने डाइट में भी शामिल कर लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके नीचे ही है इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स, उसमें आप लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपके कमेंट्स पढ़ना तो मुझे बेहद पसंद है। और हाँ, ऐसे ढेर सारे सीक्रेट्स मैं अपने वीडियोस के जरिए शेयर करने वाला हूँ, जिससे शरीर की चर्बी कम होती है, आपकी सेहत इम्प्रूव होती है। तो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनको और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए तो बहुत आसान है। सामने ही आपके सब्सक्राइब बटन है, सीधा दबा दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, आपके सेहत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, राइट? और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, नहीं तो आपको YouTube नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मुझ तक पहुंचने का एक जरिया है, वो है लाइक बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, आप सीधा लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं अच्छे वीडियोज बना रहा हूँ और आपको फायदा हो रहा है उसका, ठीक है? तब तक के लिए बाय गाइस, और अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ जरूर आऊंगा। कीप लाफिंग। अब बारी आती है क्विज की, तो आज के इस वीडियो में मैंने जो रोटी बनाई है आपको ये बताना है कि इस रोटी बनाने के लिए मैंने कौन कौन से सामग्री का, यानी कि इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है? आपको उसके लिए 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को, सब्सक्राइब बटन को आपको दबाना होगा, ठीक है? और जिस YouTube आईडी से आप ये सब्सक्राइब बटन दबा रहे हैं उस YouTube आईडी को और इस सवाल के जवाब को आपको मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना होगा, ठीक है? और पहले 3 विनर्स को मैं एक अच्छा सा गिफ्ट भेजने वाला हूँ, ओके? तो आपका ईमेल का मुझे इंतज़ार रहेगा, ओके? बाय गाइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस दिन ये कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाएगा उस दिन इस वीडियो के टाइटल में लिखा होगा कॉम्पिटिशन क्लोज्ड, ठीक है? ये टेक्स्ट लिखा होगा कॉम्पिटिशन क्लोज्ड। तो अगर आपने ये कॉम्पिटिशन क्लोज देख लिया, इसका मतलब कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया है, ठीक है? तब तक आप, जब तक ये टाइटल में नहीं लिखा है तब तक आप इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस? All the best for this competition and I'll see you for the next video. Bye.